असलकुम दोस्तों नू रिटीच यूट्यूब चैनल में हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं अगर आप डिज़ाइनिंग के शौकीन हैं और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लूँ और कोई ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर लूँ तो दोस्तों फिर फिक्र ना करें क्योंकि आपकी ये चाहत अब हकीकत में बदलने वाली है क्योंकि हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री है जिसमें आप दो से लेकर तीन महीनों के अंदर अंदर मुकम्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं और उसके साथ साथ हम आपको देंगे कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप आराम से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं या फिर अपने लिए अपनी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन करके फेसबुक या किसी और प्लेटफॉर्म पे शेयर करके आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तो दोस्तों फिर इंतज़ार किस चीज़ की आइए और सब्सक्राइब कर लें नूरी टीच यूट्यूब चैनल को जिसमें आप आसानी से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मुकम्मल कोर्स सीख सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या चीज़ और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है तो दोस्तों आपने मुख्तलिफ जगह पे मुख्तफ किस्म के फ्लेक्स देखे होंगे इस तरह ब्राउशर्स देखे होंगे इस तरह कोई और डिज़ाइन देखा होगा तो इसमें से आपके दिल में ये ख्याल आया होगा कि काश मैं भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकता था तो दोस्तों आपका ये काश अब और काश नहीं रहेगा क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स और अगर आप हमें ज्वाइन कर ले तो इन शाला दो तीन महीनों के अंदर अंदर ही आप आराम से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख सकते हैं और या तो फिर ऑनलाइन कमा सकते हैं और या फिर ऐसे ही मुख्तलिफ किस्म के फ्लैग्स और पोस्ट बना के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस कोर्स में आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सीखेंगे जिसमें सबसे पहले आता है कोरलड्रा तो कोरल ड्रा हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स बनाने के लिए ब्राउशर्स बैनर्स बिजनेस कार्ड स्टूडेंट कार्ड आई डी कार्ड और इसके अलावा बहुत कुछ सही है तो ये सारी चीज़ें हम किस में डिज़ाइन करेंगे और किस में बनाएंगे ये हम बनाएंगे कोरल ड्रा में कोरल ड्रा के अलावा एक और भी हम टूल यूज़ करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं एडाफ फोटोशॉप तो एडाफ फोटोशॉप एक ऐसा टूल है जिसमें हम पिक्चर एडिटिंग के रिलेटेड सारे काम कर लेते हैं जिस तरह के बैकग्राउंड रिमूविंग हो गया किसी पिक्चर को कट करना किसी उसके ख़ास हिस्से को कट करना पिक्चर के या किसी पिक्चर को क्रॉप करना इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना और चेंज करना और इसके साथ साथ मुख्तलि किस्म के खूबसूरत खूबसूरत के तरीके से टेक्स्ट को लिखना तो ये सारे काम हम फिर किस में करते हैं एडाप फोटोशॉप में करते हैं इसके अलावा हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में एक और भी टूल यूज़ करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं इन पेज उर्दू तो इन पेज उर्दू आप लोगों ने देखे होंगे अक्सर कोई ना कोई डिज़ाइन जो है वो उर्दू में बना होता है उर्दू में बने होने से मुराद ये है कि उसकी जो लिखाई होती है वो इंग्लिश की जगह पर उर्दू में की हुई होती है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन पेज उर्दू तो इन पेज उर्दू में मुख्तिक किस्म के ख़ूबसूरत खूबसूरत फ़ोन स्टाइल्स पड़े हैं तो उसमें हम कोई लिकाई करेंगे फिर उसको जाके कोरड्रा या इडाफोटाप में पेस्ट करेंगे और उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे अच्छा तो दोस्तों उर्दू को लिखने के लिए हमारे पास और भी सॉफ़्टवेयर है जिस तरह पाक उर्दू इंस्टाइलर हो गया इसके अलावा हम कोई उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें जिसमें हम फिर कोरल ड्रा या फोटोशॉप में आराम से उर्दू लिख सकते हैं लेकिन इन इन पेज उर्दू का इंतने इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर जो फ़ोन स्टाइल मौजूद होते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं और उसको इस्तेमाल करके हम मुख्त किस्म के डिज़ाइन को बना सकते हैं और अपनी डिज़ाइन को ख़ूबसूरत भी कर सकते हैं तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कोरलड्रा और एडा फोटोशॉप का स्क्रीन दिखाता हूँ कि कैसे होता है हमने इसमें स्टार्टअप कैसे लेना है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं कोरलड्रा को और इसके इन्वामेंट के बारे में जानते हैं कि कोरलड्रा के इन्वायरमेंट कैसा है तो जैसे आप कोरल ड्रा को इंस्टॉल करोगे या ओपन करोगे इंस्टॉलेशन के बाद जब आप उसको ओपन करोगे तो सबसे पहले ये आपको स्टार्टअप स्क्रीन दिखाई देगी इस स्टार्टअप स्क्रीन में आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं जिसमें न्यू ओपन न्यू फ्रॉम टेम्पलेट मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं अब ये ऑप्शन किस काम के लिए क्या क्या करते हैं ये हम इन शह में आगे पढ़ेंगे लेकिन फ़िलहाल आपने क्या करना है इस न्यू के ऊपर क्लिक करना है यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आपके सामने एक पेज होगा जिस पेज के अंदर आप क्या करोगे एक डिज़ाइन करोगे ये इसको आप डिज़ाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं और वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं तो दोस्तों हम जितना भी डिज़ाइनिंग करेंगे या काम करेंगे तो इस पेज के अंदर करेंगे जो आप पूछ के ये बॉर्डर दिखाई दे रही है। ठीक इसके ही अंदर करेंगे सही है अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं इसकी यूज़र इंटरफेस के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे है तो आपको आसानी हो गया कि जाके सबसे पहले जो राइट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रही है ये कोरल ड्रा की जो विंडो है यह कोरल ड्रा की जो एप्लीकेशन है इसके ये कंट्रोल बटन है सही है इससे हम इस कोरल ड्रा की विंडो को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं और जो लास्ट में आपको बटन दिखाया रही है इसके हम कोरल ड्रा की जो विंडो इसको क्लोज कर सकते हैं नेक्स्ट जो आपको दोबारा ये वाले जो राइट कारनर पे आपको मिल रहे हैं कंट्रोल बटनस तो ये इस फ़ाइल के कंट्रोल बटन से जिस तरह हमने अभी इससे पहले न्यू पे क्लिक किया है न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये नया फाइल आया है तो ये इस फ़ाइल के कंट्रोल बटन है इससे हम क्या करते हैं इस फाइल को कंट्रोल कर सकते हैं मिनिमाइज मिग्जीमाइज भी कर सकते हैं और साथ में इसको क्लोज भी कर सकते हैं फिर इसके बाद आते हैं इस तरफ लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे जिसमें तो आपको दिखाई दे रहे हैं कोरल ट्रा टोल्व लिखा है और साथ में ग्राफिक वन लिखा है तो ग्राफिक वन जो है ये आपका इस फाइल का टाइटल है या इस फाइल का नाम भी आप इसको कह सकते हैं कि ये जो फ़ाइल मैंने सेव किया है तो इस नाम से सेव किए तो इस वाले को हम कहते हैं टाइटल बार जो पूरा आपको दिखाई दे रही है ये वाला ये है क्या है टाइटल बार टाइटल बार से अगर हम फिर नीचे आए तो ये सारे हमारे पास मेन्यूज़ है मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यू पड़े हैं जिस तरह फाइल एडिट व्यू लेआउट ये सारे मेन्यूज़ है हर एक मेन्यू में, में मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होते हैं और हर एक ऑप्शन जो है अपना अपना काम परफॉर्म करता है इस ऑप्शन को आप कमांड्स भी कह सकते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कमांड्स हैं और आप इसको ऑप्शन भी कहते हैं सही है फिर नेक्स्ट जो इसके नीचे आते हैं तो ये हमारे पास और कोई थोड़े बहुत कंट्रोल बटनज़ है जिस तरह की किसी नए फाइल को ओपन करना या कोई ऑप्शन है या कमांड्स ये भी आप इसको कह सकते हैं किसी फाइल को ओपन करना नए फाइल को ओपन करना प्रेट कट कापी ये सारी चीज़ें इस मेन्यू के अंदर भी ऑप्शन में मौजूद होते हैं जिस तरह आपको ये दिखाई दे रहे हैं और इधर भी कोई थोड़ी बहुत जो है लगाए गए हैं इसके बाद हम नीचे आते हैं ये हमारे पास है प्रॉपर्टी बार इस प्रॉपर्टी बार में हर एक जो आपके पास टूल है इसके लिहाज से मेन्यू आ जाती है हर एक टूल के लिहाज से अपनी अपनी मेन्यू आती है हर एक टूल में सही है और उस मेन्यू से हम फिर इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं जो टूल हमने उठाई इसकी वैल्यूज़ को और इसके हम मुख्तलिफ एडिटिंग कर सकते हैं अब अगर हम राइट की साइड पर देखें तो राइट साइड पर हमारे पास कलर प्लेट लगा हुआ है मुख्तफ़ किस्म के कलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं इस कलर को इस्तेमाल करके हम फिर आगे अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे और ये हमें किसी ऑब्जेक्ट को कलर देने में मदद करेगी तो इसको कहते हैं कलर प्लेट और जो बीच में आपका है ये इसको वर्किंग एरिया भी कहते हैं डिज़ाइनिंग एरिया भी कहते हैं और जो लास्ट में इधर आपको दिखाई दे रहे तो ये सारा आपका क्या है स्टेटस बार तो ठीक ऐसी ही अब हम चलते हैं एडा फोटोशॉप की तरफ तो जो हम एडा फोटोशॉप इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं या जो हम एडा फोटोशॉप पे काम करेंगे वो एडा फोटोशॉप सी सी वर्जन टू थाउजेंड नाइनटीन है तो वर्जन टू थाउजेंड नाइन्टीन को ओपन करने से आपके पास एक ऐसा स्क्रीन आएगा जब आप पहली बार इसको इंस्टॉल करते हो इंस्टॉल करने के बाद आप इसको रन अप करते हैं तो एक ऐसा स्क्रीन आएगा तो आपने कुछ नहीं करना सिंपली क्रिएट न्यू पे काम करना है क्रिएट न्यू पे चले के जाने के बाद आपको कहते हैं कि ये जो आप पेज हम आपके लिए दे रहे हैं तो इसका साइज़ इतना है फिलहाल इन चीज़ों को स्किप कर ले हम सिर्फ इसके इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं कि इसके इन्वायरमेंट में क्या क्या है तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पर तो क्रिएट पर देखो ये मेरे साथ इतने साइज़ का एक पेज ओपन हो गए जो कि काफ़ी छोटा है सही है कंट्रोल प्लस के जरिए से मैंने इस पेज का साइज़ बड़ा किया ताकि मैं आपको समझा सकूं फिर आगे देख के आगे जाके हम फिर देखते हैं कि पेज को किस तरह मेंटेन करना है इसके साइज़ को कैसे हमने कंट्रोल करने बहुत सारी चीज़ें इसमें ये हम आराम से देखेंगे लेकिन सबसे पहले ठीक एसी कोरड्रा की जो मैंने आपको यूज़र इंटरफेस की इंट्रोडक्शन दी थी तो एसी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको फोटोशॉप की भी देना चाहता हूँ जो आप ता, राइट कॉर्नर पर देखें तो वही वाले कंट्रोल बटन इधर भी हैं जहाँ में थे इसको हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये सारे काम इधर से भी कर सकते हैं और इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं इसके अलावा जो फ़ाइल का कंट्रोल है तो वो यहाँ पे है देखो इधर से हम क्या करते हैं फ़ाइल को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा टीक ऐसे ही इधर भी मुख्तलिफ किस्म की मेन्यूए हैं फाइल इडिट और इसके अलावा इमेज लेयर टाइप मुख्तलिफ किस्म की मेन्यू है। और टीक ऐसे ही इधर भी हमारे पास क्या है टूल्स पढ़ें मुख्तलिफ किस्म के टूल्स पड़े और बीच में एक पेज है जिसमें हम वर्किंग करेंगे जिसको हम वर्किंग और डिज़ाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं इसके अलावा नीचे टीक वे से ही जिस तरह कोरड्रा में था एक स्टेटस बार है इस स्टेटस बार को हम देखेंगे अपने शेप के साइज़ वग़ैरह ये सारी चीज़ें जो है वो इधर आ जाती हैं और नेक्स्ट में एक छोटे छोटे प्लेट्स लगाए गए हैं जिस प्लेट के अंदर कलर और मुख्तफ़ किस्म की लेयर्स वगैरह और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल हम यहाँ से करते हैं तो ये थी कोरल ड्रा और इडा फोटोशॉप की इन्वायरमेंट चला मैं आपको इन पेज की इन्वायरमेंट भी दिखाऊंगा क्योंकि फ़िलहाल मैंने इन पेज को इंस्टॉल नहीं किया है और ना ही इसकी इन्वायरमेंट इतनी ज़रूरी है तो जिस तरह इसमें मैन यूज़ ये तो ठीक वैसे ही इन पेज में भी मेन्यूज़ और ये सारी चीज़ें हैं टूल्स ये, मेन्यूज़ है स्टेटस बार है, है bar, ये सारी चीज़ें इन पेज में भी हैं अच्छा दोस्तों अब बात करते हैं इन चीज़ों को इंस्टॉल करने की और डाउनलोड करने की कि हम कहाँ से इनको इंस्टॉल करेंगे कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और साथ साथ अगर किसी को फिर इसके इंस्टॉलेशन में मसला आ जाता है तो फिर मैं इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो भी बनाऊंगा कि हमने कोरल ड्रा कैसे इंस्टॉल करना है डाउनलोड करना है और इडाफ फोटोशॉप को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है इसकी मैं फिर एक अलग सी वीडियो भी बनाता हूँ तो फिलहाल के लिए ये हमारा पहला लेक्चर था तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं देखते हैं कोरल ड्रा से स्टार्ट करते हैं और फिर कोरल ड्रा के ख़त्म होने के बाद हम एडा फोटोशॉप करेंगे डा फोटोशॉप पे काम करेंगे और उसके बाद इन पेज पे तो इन पेज पे शायद कोरल ड्रा के अंदर भी हम हमें ज़रूरत पड़े इन पेज पे काम करने की तो साथ साथ करते रहेंगे कोरल ड्रा को हम पूरी तफसल से पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इसमें कोरल ड्रा में हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिहाज से डॉक फ़ोटोशॉप को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम किसी इमेज को ख़राब करना या इसके बैकग्राउंड को चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो उसमें हम तब कोरल फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे लेकिन फ़ोटोशॉप को बिल्कुल तफसल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है फिर कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है दो तीन महीनों से ज़्यादा वक्त लेगा और इन पेज भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट पढ़ेंगे क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं बहुत कम चीज़ें उसमें तो इसमें इन पेज भी हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और अगर कोई फिर चाहते कि मैं इडाक फ़ोटोशॉप की भी पूरी तरह सारी वीडियोस देखूं और पूरी डाक फ़ोटोशॉप को भी एडवांस लेवल पे सीखूं तो फिर उसके लिए मैं अलग से कोर्स रखूंगा रखूँगा ड्रा की अलग से होगी ईडार फोटोशॉप की अलग से होगी तो उस कोर्स को भी आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ और उसमें आप एडवांस डाक फ़ोटोशॉप भी सीख सकते हैं लेकिन फिलहाल जो मैं आपको एक फोटोशॉप कराऊंगा वो बिल्कुल एडवांस लेवल पे नहीं होगा लेकिन इतना बेसिक्स भी नहीं होगा कि आपको उसमें कुछ नहीं आता होगा सही है वो इस लेवल पे होगा जिस लेवल पे हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए डा फोटोशॉप चाहिए तो उतनी तक हम इसमें काम करेंगे मुख्तलिफ़ के तो अब तक के लिए इतना ही अब इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ इनशा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में